साल में जितनी भी विकास की फंड आया, मैंने इन फंडों से विकास का काम किया है। अगर मुझे दोबारा मौका मिलता है तो मैं अपने क्षेत्र में फिर से विकास करने में पूरा सहयोग दूंगी। वह इस मौके पर मुखिया प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। खबर सहरसा से है, जहां सहसोल पंचायत के मुखिया प्रत्याशी विपिन कुमार उर्फ राजा ने पंचायत के ग्राम वासियों को नवरात्रि और दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी से भाईचारा, स्नेह, प्यार मिलता रहे। जी, अपने पंचायत सहसोल वासियों को दुर्गा पूजा एवं दशहरा के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं ढेर सारे शुभकामनाएं। खबर सुपौल से है, जहां छातापुर प्रखंड के पंचायत चुनाव को लेकर मुखिया प्रत्याशियों ने अपनी जीत हासिल करते हुए खुशी जाहिर की है। इस कड़ी में छातापुर के मुखिया बीबी साजिदा खातून पति मकसूद मसन ने जीतने के बाद खुशी जाहिर की। देखिए, ये जो जीत है ये छातापुर के आवाम जनता का है और छातापुर का जनता को ही हम क्रेडिट देते हैं कि जिन्होंने मेरे जीत के लिए हर तक प्रयास करके आज मुझे इस मकाम तक पहुंचाया। और इस जनता के हम एक सेवक बने हैं और जो भी संभव प्रयास काम है वह जनता के लिए हम हमेशा करेंगे। सब काम में हम जनता के लिए जितना भी मदद हो सके करके उनके डोर टू डोर काम करके पहुंचाएंगे। इस बार जो है आप जीते हैं, खास करके आप अपने जनता वासियों को क्या संदेश देंगे? जी, खुशी की बात यह है कि यह जनता हमको जो चुन के लाए हैं, इनके लिए जो भी अपेक्षित काम है उन पे हम खरा उतरेंगे और जो भी जनता का काम है वह हम बखूबी ईमानदारी के साथ करेंगे। बक्सर जिले के डुमराव अनुमंडल में पड़ने वाले चक्की प्रखंड के भरियार गांव स्थित धर्मावती नदी में बीते मंगलवार को मछली मरने गए सुखदेव बिंद के गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। इसकी जानकारी अगले सुबह काफी मशक्कत के बाद युवक के शव को पानी से निकाला गया। वहीं इस घटना की जानकारी चक्की ओपी थाना प्रभारी ज्ञान प्रकाश सिंह को मिली तो मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सहरसा जिले के महेशी प्रखंड के महपुरा स्थित शारदीय नवरात्र की महासप्तमी को महपुरा स्थित संत बाबा कारू खिरहर के मंदिर में भक्तों के अपार भीड़ ने बाबा को दुग्धाभिषेक किया। साथ ही साथ बुधवार की सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए नेपाल सहित विभिन्न जिलों से लोग पहुंचने लगे। मंदिर परिसर सहित मुख्य द्वार तक लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं का मानना है कि लोग देव संत बाबा कारू घिरकर के दरबार में श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाने आते हैं। साथ ही साथ बाबा सभी की मनोकामना पूरे करते हैं। वहीं केन न्यूज संवाददाता शमशूल हुदा ने कारू खिरकर के वंशज के पास जाकर खास बातचीत की। अब रुक करेंगे खबरें झारखंड से, जहां झारखंड से साहेबगंज में पुलिस अधीक्षक अनुरगंज किसपोटा के निर्देश पर तालझारी थाना प्रभारी